ये मजा आएगा ना भिड़ो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। काजिम की किचन में खुश आमदीद। आज का हमारा जो व्लॉग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भाई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आ रहा है और किचन में आज बहुत ज़्यादा काम है, तो सारा काम आज भाई करेगा। और ये खीर बन रही है, अभी दूध गर्म होने लगा है और दूध जब गर्म हो जाएगा इसमें चावल डाल देंगे जी। मैंने ले लिया है ये छोटा चम्मच, बड़े चम्मच से कर रहा था ना तो मुझे अजीब सा किड़किड़ किड़किड़ सा लग रहा था, फिर से मैंने चम्मच चेंज किया। और हमारी खीर भी अभी तैयार हो रही, अभी ठंडी होगी ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, कलर भी खूबसूरत है, गोल्डन कलर हो। खीर तो हमारी रेडी हो गई, बस इसको गार्निशिंग करनी है। ऊपर से नारियल लगा रहा हूँ, नारियल मैंने पहले ग्राइंड कर लिया था, क्या ना किनारे आउटलाइन कर लेता हूँ, खूबसूरत लगेंगे। ये मेरे पास नारियल ग्राइंड किया, जी जनाब हमारी खीर तो रेडी हो चुकी है, ये देख लो माशाल्लाह। और यहाँ से आपको दिखाऊँ ऐसे, ये देखिए ये मैं नया लेके आया था, जोड़ा था ये, तो ये दो, तो इसको फ्रिज में रख लेते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, और बाकी जैसे जैसे लोग आते रहेंगे तो बना बना के साथ साथ रखते जाएंगे। चलिए जी, अब हमने हमें चढ़ा दी ऊपर और ये जान लेते मसाला भी डालेंगे, मसाला भी डालेंगे, डाल देना चिकन है पास लो, तो मिक्स कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह अभी तैयार हो रहा है हलीम भी माशाल्लाह से हमारा, और अभी मैंने ग्राइंड करके रोटी डाली, धनिया भी डाल सकते हैं आप। अभी इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, और ये जो मसाला तैयार किया और चिकन स्टार्ट करनी है, फिर ये इसमें मैं डाल दूंगा और फिर से अच्छे से पकाएंगे, और लास्ट में जो हलीम के मसाले हैं वो लास्ट में मैं शामिल करूंगा, और मेरी हलीम है ना वो एकदम से वीआईपी हलीम तैयार हो जाएगी। और हलीम बनाने के हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं, और ये मेरा अपना तरीका है और मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। और अब ये जो सा मसाला है ये अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने ब्रेक भी अच्छे से मैंने फिश रख दिया, ये देखिए अभी मसाला डाला है मैंने और इसे अभी मिक्स कर रहा हूँ, इसको पकाना है हमने अच्छे से, और इसकी अच्छे से हमने पकाई करनी है। इसमें जी मैंने मसाले डाले हैं, गरम मसाला, साबुत धनिया, जीरा, और अब ये इसमें शामिल कर रहा हूँ काली मिर्चें, ठीक हो गया। ये हमारे हलीम में लास्ट में जाएगा, और हमारा हलीम अभी तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगा, और अभी तो कोई भी नहीं आया, आने वाले मेहमान भी, बस मिक्स कर देता हूँ। मुझे
अच्छा जी, हलीम तो हमारे यहाँ पे बन गई है, और इसके साथ साथ जी हमने मीठी टिक्कियाँ बनानी हैं, जिसको टिकरे बोलते हैं, मीठी टिक्के। और उसके लिए हमें यहाँ पे क्या सबसे पहले चाहिए, मैदा चाहिए। मैदा मेरे पास है जी 1 किलो, 1 kg एक पैकेट होता है, ठीक है, वो है। इसको अच्छे से छान लूँगा, वैसे तो ये साफ़ होता है, फिर भी एक दफ़ा छन्नी से गुजार लूँगा। और इन्विटेशन कार्ड तो सबको गया हुआ है, बस अपने अपने टाइम पे सब आएंगे। और यहाँ पे मेरे पास सूजी है, इसको भी मैंने छन्नी से गुजार ली, और ये बिल्कुल बारीक हो चुकी है, बारीक वाली मोटी साइड पे कली बारीक डाल रहा हूँ इसमें। तो ये 1/2 कप है, तो ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ मैदे के अंदर। और इसके साथ साथ जी यहाँ पे मैं शामिल करूँगा नमक जी थोड़ा सा शामिल करूँगा, ज़्यादा भी नहीं शामिल करना, बस 2 salt। और इसको हाथों की मदद से ऐसे आपने मल के ऊपर उठाना है, और दरमियान में जगह बना के घी को आपने पहले गर्म कर लेना है, और उसके बाद ठंडा होने पे आपने इसको मैदे में शामिल करना है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके आपने मिक्स करना है, एकदम सारा नहीं डालना, और जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही डालना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि हमें कितना इसमें घी डालना है। और यहाँ पे हाथों से आपने ऐसे मल के ऊपर उठाना है, और ये मैदे का कलर भी चेंज हो गया, अभी सिर्फ हमने घी डाला है इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने, ताकि गुठलियाँ नहीं बने इसकी, और ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और आपने मुट्ठी बन करके ऐसे देखना है। तो बस हमें घी और नहीं डालना, ये जुड़ा है। और अब सेंटर में जगह बना लेंगे, और हमने शीरा बना लिया, तो शीरा जो होता है ना, ये चीनी डाली इसमें हमने दूध में, तो ये भी सेंटर में शामिल कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और इसकी गुंदाई करेंगे शीरे से। ये बहुत ही मज़ेदार ये टिकरियाँ बनती हैं, और इसमें आप मज़ीद कुछ चीज़ ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसा कि ग्राइंड किया हुआ नारियल, वो भी डाल सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा जायका आता है। इलायची भी डाल सकते हैं, और पसंद अपनी अपनी, जितनी अच्छी आप इसकी गुंदाई करेंगे उतनी अच्छी यानी कि आपकी टिक्कियाँ बनती हैं, खस्ता बनती हैं और मज़ेदार बनती हैं। तो बस ये है, आपने अच्छी तरीके से मुक्कियाँ मारनी है, ताकि आपकी उतनी ही मज़ेदार टिक्कियाँ बने। तो बस यही मेहनत वाला काम है, और इसी में अगर आपने अच्छा काम कर लिया तो आपकी टिक्कियाँ उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देख ले, सॉफ्ट है, हार्ड भी नहीं, और जितना हमें घी चाहिए था, हमने हाथों पे चमक नज़र आ रही है, बस इतना ही हमें घी चाहिए। और इसके बाद हमने इसके पेड़े बना लेने छोटे छोटे, और इसके बाद बेल के हमने किसी भी ग्लास वगैरह से आप एक ये टिक्की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, माशाल्लाह से हम फ्राई का काम भी शुरू हो गया है, और इसके साथ साथ बाकी काम भी हम साथ साथ करते जा रहे हैं। और इसके बाद हमने पूरियाँ बनानी है, और बस ये है कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं। और ये देख लें, मैंने कहा आपको दिखा दूं एक दफ़ा कि किस तरह हमने ये निकालने हैं। तो कोई भी ढक्कन वगैरह ले लें आप, उससे भी निकाल सकते हैं, ग्लास के साइज़ की भी निकाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। और जी पूरियाँ भी हमारे साथ साथ इसके साथ ही तैयार कर रहा हूँ मैं पूरियाँ भी, और ये नरम रहेंगी और गर्म भी रहेंगी, जैसे जैसे लोग आएंगे और साथ साथ उनको देते जाएंगे। और बस हल्का सा बेलूँगा, और मैंने कहा आपको दिखा दूं साथ में, कि बस हल्का सा बेलना है, उसके बाद हाथों की मदद से इसको खिला लेना है। तो जी ये साल में तो ये बहुत मज़े की बन रही है पूरियां भी, और ये देख लें गरम घी में शामिल कर रहे हैं, और 1 से 2 सेकंड में ये हमारी पूरी तैयार हो चुकी है, और कलर भी इसका कितना अच्छा है। तो आप घर में क्या क्या बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और इसके साथ जी यहाँ पे बना रहा हूँ मैं दही बल्ले, और यहाँ पे आलू बूंदियाँ और प्याज टमाटर और इसके साथ जी पुदीना और मसाले तमाम डाल दिए हैं मैंने, और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके साथ साथ जी ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है दही बड़ों का, और यहाँ पे जी दही का कूंडा है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें भी कोई गिठली वगैरह ना आ रही है, और ये अच्छे से एकदम है ना वो दही हमारी मुलायम सी तैयार हो जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा, साथ में थोड़ा सा नमक शामिल कर दूँगा, और इसे अच्छे से बीट कर लूँगा ताकि ये मुलायम सी तैयार हो जाए, जो इसमें मलाई वगैरह होती है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसी में। और जैसे ही मेहमान आएंगे बस
बॉल्स में निकाल लेंगे दही बड़े और ऊपर से दही डाल देंगे और बस डिश आउट कर लेंगे। भाजी तो देखो क्या बताओ, चलो पोइम सुनाओ। बहुत अच्छी पोइम है। ₹10 मिले आप, लेकिन सही बोलो ना, भाग जाते। स्पीच सुनाओ। पंखा चला देते हैं वो हवा से ना स्पीड ज्यादा हो जाती है, वो ये काम है। लेकिन वो है बड़ा सही जी। इंसान की लालच कभी भी नहीं मरती। किंडर डब्बा दो मिनट मेरा तो ये थी। आज का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। आत्म आप को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेबान।